तो गाइस आज हम बिल्ड करेंगे एक सल्कर फार्म, क्योंकि ये बनाने के लिए मुझे माई भाई ने कहा था। जस्ट किडिंग गाइस, आने वाले वीडियोस में हम सुपर ओपी ओपी फार्म बनाने वाले हैं, जो कि हजारों में नहीं लाखों की संख्या में आइटम प्रोड्यूस करेंगे। तो उन आइटम को स्टोर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे सल्कर बॉक्स की, इसीलिए आज हम बनाएंगे एक सल्कर फार्म। ओके, तो सबसे पहले तो लीड मिल जाए यार, मुझे याद है यही, ओ ये रही। तो अभी हमें एक का फार्म बनाना पड़ेगा, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा किस लिए, पहले कहीं पर चिकन्स दिख जाए यार। वैसे एक सेकेंड, दिमाग की कमी है भाई, हम एग्स का भी तो यूज कर सकते हैं, एंड आई थिंक मेरे पास होंगे। इन चेस्टों में तो नहीं है, तो गाइस फिर से हमें एक और बार अपने पुराने घर पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ वहाँ पर मुझे चिकन्स के एक आराम से मिल जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर आए हैं तो शुगर केन्स भी ले लेते हैं। ओके, ऑल शुगर केन आर कलेक्टेड, और चलो अभी ढूंढा डांडी स्टार्ट करते हैं। इस चेस्ट में तो नहीं है भाई, कितना आयरन पड़ा है इसमें। ओ वेट, विदर स्केलेटन का हेड, चलो 5x मिल गए, नॉट बेड। और दो और मिल गए भाई, ड्रैगन एक पड़ा है यहाँ पर, अगर ये एक SMP होती तो रोला जम जाता अब तक। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। और वेट भाई, इधर खाने के वांदे पड़े, और मैंने इधर कितना सारा हेबल रख रखा है। 7 eggs में से एक चिकन निकला यार, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। भाई ये क्या है, हट, मुझे नहीं खेलना यार ये फालतू गेम। चलो अभी देखते हैं ये बड़ी होती है क्या सीट खाने से। भाई सारा खा गई क्या, हट। ओ क्या तुमने ये देखा, मैंने इसे जैसे ही मारा ये ट्रांसफॉर्म होकर बड़ी हो गई। अभी हम बहुत सारे रॉकेट क्राफ्ट कर लेते हैं, और अभी मैं कलेक्ट करूंगा वो सारा सामान जो मुझे इस फार्म के लिए चाहिए। तो ये रहा एक छोटा सा टाइम लैप्स। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द आइटम आर कलेक्टेड, केवल स्ट्रिंग चाहिए हमें, तो चलो थोड़ा कत्लेआम मचाया जाए। आज मैं मर गया भैया। ओके, बहुत सारी स्ट्रिंग्स आ चुकी है, और अभी हम बना लेते हैं बहुत सारी स्काफोल्डिंग। अरे भाई इतनी सी बनेगी क्या। ओके, तो अभी मैंने इंटरनेट पर स्ट्रिंग्स फार्म के बारे में सर्च किया, और मुझे फार्म तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एकदम अच्छी चीज मिल गई, और उसे बनाना एकदम आसान है, तो चलो उसे बिल्ड कर लेते हैं। इसमें दो स्ट्रिंग्स को लगाना है कुछ इस तरह से, और शीयर्स को लेकर इसे तोड़कर लीवर को फ्लिक कर देना है, और देर वी गो भाई, ये तो इंसेनली ओपी है। ओके गाइस, थोड़ी ही देर में अपने पास इनफ से भी ज्यादा स्ट्रिंग्स कलेक्ट हो चुकी है। चलो अभी क्राफ्ट कर लेते हैं इसका फोल्डिंग्स को। अभी मैं आया था एक माइन शाफ्ट में, क्योंकि मुझे कोबवेब चाहिए यही कुछ 4-5। ओके गाइस, तो अभी हमें जरूरत पड़ेगी एक विदर को स्पॉन करने की, तो अभी होगा विदर स्केलेटन की मौत का तमाशा। तो दो मुझे मिल गए, एक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। ओके गाइस, तो वन लास्ट थिंग अभी ये बची है, हमें चाहिए बहुत सारे एग्स, जिसके लिए मुझे AFK करना पड़ेगा इस चिकन के फार्म पर। तो मिलता हूँ तुमसे थोड़ा टाइम AFK करने के बाद, लेट्स गो। बहुत ज्यादा टाइम तक AFK करने के बाद बहुत ज्यादा एग्स कलेक्ट हो चुके हैं, इन्हें सल्कर बॉक्स में डाल देते हैं। और हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कमेंट करके एक अच्छा वीडियो आइडिया दे सकते हो, और अगर मुझे वो अच्छा लगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और जिसने वो आइडिया कमेंट करके बताया था उसको शाउट आउट भी दूंगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो यार, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया। और तुम कुछ भी कमेंट कर सकते हो, लाइक किसी बिल्ड के बारे में, किसी फार्म के बारे में, कुछ भी, जो तुम्हारी मर्जी हो। ओके गाइस, अभी मैं एंड में भी आ गया हूँ, और वो देखो एक ब्लैक होल, और ये कुछ तो सैटर्न जैसा है। अभी हम यहाँ पर स्पॉन करेंगे बहुत सारी चिकन्स, और तुम्हें अभी तक गस कर ही लिया होगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं, हमें चाहिए विदर रोज, और उसके लिए हमें इन चिकन्स की बलि चढ़ानी पड़ेगी। ओके, अभी मैं घर पर वापस आ गया हूँ, क्योंकि मैं पॉइजन का पोशन भूल गया था। लेट्स गो, एक इधर जाएगा, एक इधर, और एक इधर। अबे मुझे निकलने दो यार, अभी हम स्पॉन करेंगे विदर को। ओके 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 भाई, इसके फटते ही मुझे नीचे कूदना पड़ेगा, एंड यस, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, सब कलेक्ट कर लिया, अभी इसको भी मार ही देते हैं। ओके गाइस, तो 2 stack, अरे नहीं भाई एक नीचे भी है, पूरे 3 stack विदर रोज कलेक्ट हो चुके हैं भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गई है, चलो आगे काम ही आएंगे। ऑलरेडी अपने पास सारा सामान आ चुका है, तो मैं एक एंड सिटी के पास आ चुका हूँ। भाई एक कंफ्यूजन हो जाता है यार इस नई वाली सिटी के साथ, और यही वो जगह है जहाँ पर हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं H2 का इफेक्ट, और अभी इस एरिया को पूरा क्लियर कर लेते हैं। ओके, एरिया भी एकदम फ्लैट बन गया है, अभी केवल सल्कर फार्म को बिल्ड करना बाकी है, तो लेट्स गो बिल्ड करते हैं इस फार्म को।
गाइस तो पूरा फार्म बिल्ड हो चुका है। एक सेकेंड, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना यार? हाँ ओके हो रहा है भाई। रिकॉर्डिंग का यही लफड़ा है यार। अभी मैंने जब मैं इस फार्म का टॉप बना रहा था, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। फिलहाल केवल अभी एक काम बचता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है इस फार्म का और सबसे मेन काम भी, इस फार्म में एक सल्कर को लाना। अरे यार वो फाइनली गया। अरे ये आगे क्यों नहीं जा रहा यार? भाई ये क्या है, हट, मुझे नहीं खेलना यार ये फालतू गेम। चीटिंग करते हैं यार ये माइनक्राफ्ट वाले। ओके लेट्स गो, एक गया। और वेट, इस माइनक्राफ्ट को ब्रेक करना पड़ेगा क्या? अरे इसे नहीं मारना है भाई। क्यों? लेकिन रुको, अभी एकदम शांति से काम लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद हाथ आया है। एंड लेट्स गो, वी ब्रेक इट। ओके गाइस, हमारा फार्म एकदम अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। मैं तुम्हें चलकर इसके रेट्स भी दिखा देता हूँ। सी 5 इसमें और इसमें नहीं है, और 23 इसमें। केवल इतने से टाइम में इस फार्म ने इतने अच्छे रेट दिखा दिए। तो अभी हम चेक करेंगे इस फार्म के एक्चुअल रेट। तो मैं मिलता हूँ तुमसे 15 मिनट का एक छोटा सा एफके करने के बाद। ओके गाइस, एफके इज ओवर और इस फार्म ने 15 मिनट में कुछ इतने सल्कर सेल दिए हैं, जो कि अभी के लिए तो बेस्ट है। हाँ मैं जानता हूँ फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा चाहिए होगा, तो हम और भी बड़ा फार्म बिल्ड कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये एकदम इनफ होने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो की समाप्ति यहीं कर दी जाए तो अच्छा होगा। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नंबर 52 कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर डालो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आएगा।